देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोग ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का। चिखलदरा में जो स्काईवॉक बनना बन रहा है तो बन रहा था लेकिन उसको स्थगिति आ गई। तो मेरे ख्याल से चिखलदरा को एक नेचुरल गिफ्ट है, वहाँ निसर्ग ने काफ़ी सौंदर्य दिया है और उसको देखने के लिए ये जरूरी है कि स्काईवॉक होना चाहिए। यानी मैं इस बारे में फिक्स हूँ कि स्काईवॉक बनाना ये गलत नहीं है। अब हो सकता है कि उन्होंने जो बनाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो प्रॉब्लम है वो वन्य प्राणी वनस्पति जो कि वहाँ की मौल्यवान होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्काईवॉक होने से कोई वन्य प्राणी या वनस्पति को इससे कोई धोखा होगा। अगर स्काईवॉक बन जाता है तो लोगों को ईश्वर ने जो सौंदर्य वहां पर तैयार किया है वो देखने का अवसर मिलेगा और निसर्ग के सौंदर्य में जब भी कोई आदमी आता है तो अपनी सब दुख भूल जाता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बनना चाहिए। दूसरा पार्ट इसमें है कि यहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, अगर स्काईवॉक बन जाता है तो केवल अपने भारत की नहीं तो भारत के बाहर के भी पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं और भारत के बाहर के पर्यटक अगर यहाँ आते हैं तो हमारा अमरावती जिला ही नहीं महाराष्ट्र या भारत इनको एक फॉरेन करेंसी भी मिलती है। वहाँ के जो लोग हैं जो पर्यटन पर ही डिपेंड है उनका उदर निवार का प्रश्न भी सॉल्व हो सकता है। यानी स्काईवॉक बनने से फायदा ज्यादा है, टेक्निकली अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ लॉस है, लगता है अगर कुछ है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि हमको कुछ पाना है कुछ खोना तो है और कुछ पाने के लिए अगर थोड़ा हम खोते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है, इसमें कोई दिक्कत आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी हो रही है वो नहीं हो पाती। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो आपको लैंड यूटिलाइज करना, अगर आपको लैंड यूटिलाइज करना है तो कहीं तो भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना है, अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है तो इकोसिस्टम मेंटेन कैसी रहे ये केयर हमने लेना चाहिए और ये केयर अगर हम लेते हैं तो इकोसिस्टम भी कायम रहेंगी और हमारी प्रगति भी होगी। तो स्काईवॉक अगर चिखलदरा होता है जो कि जग में तीसरा स्काईवॉक होगा और फर्स्ट नंबर का होगा तो हमारे भारत के लिए हमारे चिखलदरा वासी के लिए सभी के लिए ये योग्य है। तो मैं चाहूँगा कि ये जरूर हो और उसके कारण अगर कुछ दुष्परिणाम होते हैं तो उसको कैसे कंपेंसेट कर सके ये देखते हुए उसको आगे ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। धन्यवाद। देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोग ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का।